जी, आप लोगों को वेलकम करते हैं। हम 2 दिन की लेंगे, आपने लेंगे तो आपने जाके पीएसटीज को प्रिपेयर करना है। तो हमारी ट्रेनिंग है ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑन एसएमसी। इसके बारे में आपकी ऑलरेडी एक मीटिंग आपको दी जा चुकी है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, ऐसे ही है ना? अब सब लोगों ने ले लिया, कोई है? खुद को अनम्यूट करें, मुझे बता दे कि आप लोगों की डिविजनल लेवल पर यस ट्रेनिंग हो चुकी है। यस मैम, एक अपने सेशन खुद को म्यूट कर लीजिए। यस मैम, अगली अगली पीपीटी अगली जी जी प्लीज स्लाइड पे आ गए। नेक्स्ट जी आ गए, स्लाइड पे आ गए जी। दिस इज द प्राइम मिनिस्टर वर्जन जी। जी मैडम, तो विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर है कि एक सिस्टम होना चाहिए करिकुलम के लिए, कि हमारा निसाब एक हो, फिर हमारा जो पढ़ाने का तरीका कार है एक हो। मैम पहले वो पढ़ना था प्लीज जी, यहाँ पे ठीक है जी। और जी, जो असेसमेंट का तरीका, ये 3 चीजें होगी। एक तो हमारा करिकुलम पूरी नेशन के लिए एक होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि प्राइवेट के लिए अलहदा हो और पब्लिक स्कूल के लिए अलहदा हो। दैट्स वाई आज हम प्राइवेट और पब्लिक स्कूल के लोग जो है आज इकट्ठे हो गए हैं। आप एमटीस को हमने इकट्ठा, पहले एलटीस को इकट्ठा किया गया प्राइवेट और पब्लिक साइड से, आज आप लोगों को भी इकट्ठा किया गया है प्राइवेट और पब्लिक साइड को, ताकि आप लोगों को मिल के ये जो विजन है वो आपके साथ शेयर किया जाए। और प्लस उसके बाद आज ईसीसीई का हम दोनों मैम शाजिया और मैम मिलके ईसीसीई का जो कॉन्टेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो एक निसाब एक होना चाहिए, फिर हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक नंबर 2 पे हो गया, और एट द एंड के जो पढ़ाया गया है उसका हमारा असेसमेंट का तरीका भी एक जैसा होगा जी। जी, ऑल स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन आर ऑन वन जी। थैंक यू मैम। तो फिर हमारे पास तीन किस्म के इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे। एक तो पब्लिक स्कूल, मैम वो बैक वाले पे ही लास्ट वन जी, पब्लिक स्कूल, और फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल, और फिर दीनी मदरसा। हर एक ने अपना अपना अलहदा से उनका सिलेबस था, वो उसके मुताबिक उसका करिकुलम को वो लोग फॉलो करते कर रहे थे। अब ये डिसाइड किया था कि सारी नेशन जो है उसका एक करिकुलम होगा। नेक्स्ट प्लीज मैम। ओके, अब इसका ये है कि इसके 3 फेजेज हैं। पहले फेज में प्राइमरी जो स्कूल टीचर स्कूल हैं उनको जो है किया जाएगा सिंगल नेशनल करिकुलम, उसका निसाब तैयार हो चुका है, बुक्स तैयार हो चुकी हैं, और अगस्त में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं। उसके बाद जो अगला फेज होगा वो होगा मिडिल स्कूल का, उनका एकेडमी 2022 और 23 में ये उसको किसकी तरफ, मेरी तरफ से? सर आप काइंडली अपना माइक चेक कीजिए, बिकॉज मैम की वॉइस हम सबको, एमटीज आर रिक्वेस्टेड टू टेल दैट कैन दे हियर प्रॉपर्ली और नॉट। यस मैम, शी इज वेरी वेरी गुड, थैंक यू। अब आप खुद को म्यूट कर लीजिए सर, काइंडली आप अपना माइक चेक कीजिएगा जी। ओके जी, फिर जो लास्ट वाला होगा वो है मैट्रिक लेवल का एकेडमिक, उस वो 2023 या 2024 तक उसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया जाएगा सिंगल नेशनल करिकुलम तक। मैम आगे बढ़िएगा जी। मैम प्लीज जी सर जी मैम जी। नेक्स्ट वन जी, एक्टिविटीज जो है हमारी फ्लो चार्ट, इनका भी आप बता दीजिए से, प्रोविजनल लेवल पे जो हमने किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलटीज को पहला जो मैनुअल बना, काफी बरसे से ये चल रहा था कि सिंगल नेशनल करिकुलम पे काम हो रहा था। जैसे कि मटेरियल बना है मार्च में मुकम्मल तौर पे फाइनल हो गया था, उसके बाद एलटीज की सिलेक्शन हुई, हमें ट्रेनिंग दे दी गई है। अब हम अब फर्दर आगे जो 1716 लोगों को एमटीज जो हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, और 9 और 10 से आप लोगों ने काम शुरू करना है, ठीक है। पहले प्रोविजनल लेवल पे हुआ, अब फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चला जाएगा, और उसका जो ग्रास रूट लेवल है वो है तहसील लेवल पे जाके आप लोग काम करवाएंगे। नेक्स्ट वन मैम जी। मैम वेरी वेल, मास्टर ट्रेनर्स जो है हमारे 1716 मास्टर ट्रेनर्स, दे आर गोइंग टू ट्रेन 4600 पीपल,
एंड ये 46,000 पीपल जो करेंगे ये हमारे बहुत ज्यादा एक बड़ी तादाद होगी. सो आप इस कोर्स की इम्पोर्टेंस को जरूर समझिएगा, इस कोर्स की इम्पोर्टेंस को प्लीज जरूर समझिएगा और फॉलो कीजिएगा. थैंक यू. नेक्स्ट वन मैम. जी ट्रेनिंग प्लान फॉर पीएसटीज यहाँ पे आ गया सर. मैम मैम मुझे नहीं शो रहा हो रहा अभी मेरी शो अभी नहीं हो रहा मुझे शो. जी अभी आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. जी अब हो गई है. जी ठीक है ठीक. ट्रेनिंग जी बिल्कुल. थैंक यू मैम. अच्छा जी ये ट्रेनिंग प्लान ये है कि ये 8 सब्जेक्ट होंगे एक सब्जेक्ट और उनके 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं. वो कल आप लोग एक सवाल कर रहे थे कि इसी का अलग होगा और एसएसटी का, ऐसा नहीं है. आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो इसी तरीके से ही है कि ईसीई के साथ एसएसटी की ट्रेनिंग. तो ये हमारे 3 इस तरह से ग्रुप हैं. पहले मैथमेटिक्स और साइंस है, साइंस और इनको ज्यादा टाइम दिया गया है. फिर उर्दू इंग्लिश और इस्लामियात का ग्रुप बना है. फिर उसके बाद सोशल स्टडीज जीके और ईसीसीई. लेकिन ईसीसीई और सोशल स्टडीज को यहाँ पर इकट्ठे जो है ट्रेनिंग. एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी जो हमारे ऊपर के ब्लॉक में, अगर सब लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो आई वॉन्ट टू एड ओवर हियर. सॉरी last line is all primary school teachers must attend 3 days training via Microsoft Teams. So ye point bahut important hai to all respected trainees, master trainers. Hum request karenge aapse ki in cheezon par working karne ke liye thoda sa aapne isko hands on practice rakhna hai aur primary school teachers ki 3 days training hogi via Microsoft Teams. ठीक है जी. और जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं ऑल प्राइमरी स्कूल टीचर्स मस्ट कंप्लीट एलएमएस मॉड्यूल्स फॉर द सब्जेक्ट. जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपका ये होगा. ऐसा है कि एंड पर मैडम ने आपको एलएमएस मॉड्यूल बताना है जो उसमें रजिस्ट्रेशन पब्लिक सेक्टर में तो ऑलरेडी समझ लें कि जो हमारा सिस है उसके ऊपर आपकी हो चुकी है. लेकिन प्राइवेट की जो है वो कुछ ऐसे में यानी कि 2nd of July से स्टार्ट हो जाए. किसी की तरफ मैम माइक बहुत ओपन है, किसी मैं म्यूट कर रही हूँ. जी भी सबको जी तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है. इस तरीके से आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी. उसके बाद आएंगे आपके टीचर्स. टीचर्स को भी इसी तरीके से रजिस्टर किया जाएगा. पहले आप हो चुके हैं उसके बाद आपने टीचर्स को आपको रजिस्टर करने नाम 9 और 10 को यानी कि 9th and 10th of July को आपने क्लासेस वगैरह बना लेंगे. नेक्स्ट मैम हमारे पास अभी ये लोग ही बहुत लेट आए हैं. तारिक महमूद साहब जी आप अपना सवाल जो है आपने चैट बॉक्स में लिख देना, हम वही पढ़ लेंगे. उसके बाद अपना हैंड है आपका, ये मैंने देख लिया. जी मैम एक तो ये है कि लॉबी की सेटिंग अगर आप ठीक कर दें, कुछ लोग लेफ्ट कर जाते हैं दोबारा उन्हें एंटर होने के लिए जो है ना फिर एडमिट करना पड़ता है. नहीं सर मैं साथ साथ कर रही हूँ, मैं उन्हें साथ. ओके दूसरा मैम ये एक के ऊपर डायलॉग बॉक्स ओपन है स्टॉप शेयरिंग और हाइट का, इसको अगर आप हाइट कर दें तो पढ़ा भी जाएगा नीचे जो टेक्स्ट आएगी. मैम शाजिया इसको हाइट जी वो कर देती. थैंक यू मैम. हम दोनों मिल के कर रहे हैं ना तो शेयरिंग शेयर जो है वो मैं कर रही है तो वो कर देंगी. जी मैम इसको हाइट कर दें. नेक्स्ट स्लाइड मैम. हो गया. उसके बाद आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है टीम्स के सिस्टम में या एलएमएस के सिस्टम में तो आपको मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी. मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि आपकी एक दिन की जो माइक्रोसॉफ्ट पे आपकी टैकल हो चुकी है. ठीक
और आज हम बेसिकली आपको हमने कंटेंट ही बताना है, प्लस ये कि एलएमएस का आपको बता देंगे एक तरीके से आपको ये आपका राउंड टू हो गया ताकि आपको ये बात जो है अलग हो जाए। उसके बाद आपके एलएमएस का डैशबोर्ड है, आपके जो है, प्लस ये के टीचर्स हैं जब ट्रेनिंग कर लेंगे वो अपना मॉड्यूल्स को एलएमएस पे कंप्लीट कर लेंगे। इसी मिसाल मैंने कल भी आपको दी थी, इसकी मिसाल ऐसे ही है, अगर किसी ने फ्यूचर लर्न या अमेरिकन जो उनकी इंग्लिश है उसके ऊपर जाके मूव्स वगैरह किए हैं या ऑस्ट्रेलिया के मूव्स किए हैं या अलामे हॉल ओपन यूनिवर्सिटी के किए हैं, जो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एलएमएस पे काम करवा रही है, ये वैसा ही पैटर्न है। ठीक है, तो वो इसको अगर कर लेते हैं यानी स्टेप बाय स्टेप को चलेंगे यूनिट्स के मुताबिक, या हम एलएमएस से जब आएगा ना तो फिर भी वहाँ पे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, उसका फीडबैक आएगा और ये डायरेक्ट जाएगा कार्य को। नेक्स्ट वन मैम, प्लीज नेक्स्ट वन मैम जी। तो हमारी ट्रेनिंग वो ये लीडरों की ट्रेनिंग प्रोसेस में है, चल रही है, कंटिन्यू है, और उसके बाद जब आप हमसे ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो आप लोगों का 12 जुलाई से आपने काम शुरू कर देना है ट्रेनिंग। ओके मैम, नेक्स्ट वन मैम प्लीज। जी तो ये हमारी प्लीज में आपको नजर रखे, आप लोग 2500 लोग हैं जिसमें रिजर्व लोग भी रखे गए हैं इन केस के एक कोई छोड़ जाता है किसी भी प्रॉब्लम से, तो जो बाकी हमारे पास हमने उनको प्रिपेयर किया हुआ है, उनको उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनको स्टेप फॉलो करवाया जाए और उनको हमें वो काम करेंगे। बाकी ये है कि जितना भी नीचे हमने लिखा हुआ है ये मैंने वहां पे आपके साथ ग्रुप में ही शेयर किया है कि इंग्लिश साइंस और मैथ के जो है इनकी 1.5 डे की ट्रेनिंग है आप लोगों की, यानी कि सीसीई वालों की 1 डे की बस ट्रेनिंग है, लेकिन मैथ और सिर्फ साइंस की तो मेरे ख्याल में बार बार जी। ओके जी, यहाँ पे तो क्वार्टर 2 चल रहा है, उसमें 3 जिले हैं जिनको शेयर किया जाएगा जब हमारी ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको बताना है वंस अगेन एलएमएस। बिल्कुल जैसे मैं माशा, कई लोगों ने आपकी ट्रेनिंग की है, उन्होंने आपको एलएमएस पे सब कुछ बता दिया है, लेकिन वंस अगेन आपको रिपीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, प्लस उसमें जो आपका लेटर है वो भी हम शायद आपके साथ करवा चुके हैं, ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम आप कर चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम पढ़ेंगे अपने सेशन 1 की तरफ और देखते हैं कि वहाँ क्या है। मैम सेकंड वाली जो हमारी पीपीटी है उसको चलाएं। मैम शाजिया, सेकंड वाली पीपीटी के लोग ऑलरेडी लेट आए हैं, तो हमारा उस पीपीटी में हमारा ज्यादा टाइम लगना था, लेकिन मैम शेयर कर रही है सर। फोर्टी टू लोग हमारे साथ आए हैं और हम उनके वेट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन हो तो आप लिखना का जवाब दे दो जी। एक कोई क्या हुआ है जी सदर, आप ना अपना जो क्वेश्चन है आप काइंडली चैट में जाए वहां पर लिखे, इंशाल्लाह आपको हम जवाब देते हैं। ओके जी, सिंगल नेशनल करिकुलम इसकी स्लाइड नंबर 2 प्लीज। ओके जी, ओके जी, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ग्रेड 3 2020। अच्छा, पहले आप में से जो प्राइवेट के लोग, प्राइवेट सेक्टर से हैं,
जी, जो लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं उन लोगों को ये इल्म नहीं है कि ये पहले हमारा ईसीई होता था, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब इसके साथ थोड़ा इजाफा किया गया है, वो इजाफा क्यों किया गया है वो आइंदा जितनी भी हमारी स्लाइड्स आने वाली हैं, जितना भी हमारा सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं। ओके जी, छोटा सा आपसे तारुफ लेंगे, बस थोड़ा सा लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम जो है काफ़ी हो चुका है। तो मैं अपना तारुफ पहले दूंगा, गौर से सुनेंगे, मैं पहले अपना तारुफ जैसे दूंगी वैसे आप लोगों ने देना है। माई नेम इज सुरैया, सुरैया लाइक स्ट्रॉबेरी की है, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं मैम शाजिया की तरफ। जी मैम शाजिया जी, आप अपना तारुफ दीजिए। जी, कैन यू हियर मी? यस यस यस, माई नेम इज शाजिया एंड शाजिया लाइक स्वीट्स। अभी हम सर अली रजा की तरफ बढ़ेंगे। सर अली रजा, सर अली रजा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, नहीं तो फिर हम मैम नाहिद की तरफ बढ़ते हैं। मैम नाहिद रशीद जी, मैम वो भी हमारे साथ एलटी है, एलटी एसएसटी। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, तो हम बढ़ते हैं अब्दुल कदीर की तरफ। जी अब्दुल कदीर साहब, बिल्कुल ऐसे आपने तारुफ देना है, लंबा तारुफ नहीं होगा, बस छोटा सा होगा। डॉक्टर हेलो, जी हेलो, माय नेम इज अब्दुल कदीर एंड अब्दुल कदीर मीन कैंडी। नहीं नहीं, ए से आपका अब्दुल कदीर फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करना है आप लोगों ने, अपने नाम के फर्स्ट लेटर से अपना इंट्रोडक्शन करना है। नहीं समझ आई फिर, ये आप थोड़ा स्क्रीन को पढ़ें, स्क्रीन को पढ़िएगा सर। आमना लाइक्स एप्पल्स, ए फॉर आमना, ए फॉर एप्पल्स, परवीन लाइक्स पोटैटो चिप्स। ओके ओके, परवीन इज, थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्लीज कैरी ऑन। अब्दुल कदीर, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एन। ग्रेट ग्रेट, ओके थैंक यू मैम नजमा, आप खुद को म्यूट कर लें। अब्दुल कदीर साहब, मैम नजमा, डॉक्टर नजमा आपका हाथ खड़ा है, चले मेरा ख्याल है कि उसके बाद हम नूडल। ओ ग्रेट, नाइस, ओके। नजमा लाइक्स नूडल्स, ओके ओके, आपको नूडल्स बहुत पसंद है क्या पता। शाहिद बैठे हैं हमारे साथ, वो खुद को अनम्यूट करें। जी मैम आप खुद को म्यूट कर लीजिए। चैट बॉक्स जो है ना वो नहीं काम कर रहा, मैं इस हवाले से बात करना चाह रही थी कि चैट बॉक्स में नहीं लिखा जा रहा, मेरा ख्याल है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं लोग लिख रहे हैं, ये देखे ना कि सारे लोगों ने, ये अख्तर साहब हैं वो कहते हैं विल रिजर्व पूल विल पेड और नॉट फॉर टेकिंग द ट्रेनिंग, वो कह रहे हैं। सर ये आपको आपके कायद वाले बता सकते हैं, ठीक है। Sound A for apple, जी सर। उसके बाद हमें नजर आ रहे हैं अयास तारिक साहब, जी अयास तारिक, अब आप पे एप्पल नहीं आएगा, आप कुछ और बोलेंगे, आप एप्पल नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। जी जी बिल्कुल सर, आ रही है, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल यूं लगती है जैसे बहुत दूर से कहीं से कुनकुन से आवाज आ रही है। मैं बहुत दूर से चकवाल से बोल रहा हूँ। अच्छा, I like food अंडा आलू डबले। हमारे साथ आसमा अजीज हैं, शी इज आल्सो फ्रॉम चकवाल। आसमा अजीज, yes, my name is Asma Aziz. Asma Yes, Samia makes sausages.
ओके थैंक यू मैम. उसके बाद रुखसाना रजा है हमारे साथ. जी मैम खुद कीजिए. आई थिंक ये इंट्रोडक्शन हमारे पास उसको करते हैं. वी हैव 42 पार्टिसिपेंट्स. तो अगर हमने इन सबका हम ऐसे करें क्योंकि देखे ये इनके एंड पे है कि हम तो अपने ऐसे ही है ना. तो अभी हम इनसे तारुफ ले रहे हैं तो ये लंबा हो जाएगा. ठीक है मैडम. अब मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जिसमें अलाउ मी टू ऐड समथिंग ओवर हियर. आई जस्ट वांट टू ऐड माय डियर पार्टिसिपेंट्स के किसी भी एक्टिविटी का हमेशा कोई कोई पर्पस होता है. जैसे कि इस आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी का पर्पस ये है कि हम आपको ये ट्रेन करेंगे जब आप लोग अपनी क्लास में होंगे या इस चीज को जब ट्रेन करेंगे और इस चीज अपनी क्लासरूम में ट्रेन करेंगे बच्चों को तो आपने बच्चों को लाइवली अपनी उसमें कमांड में कैसे आपने लेकर आना है कि आप बच्चों का इंट्रोडक्शन लेंगे इस तरीके से लेंगे ताकि वो बच्चे खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं. तो इससे उनके दो फायदे होंगे. एक तो ये कि उनकी कम्युनिकेशन जो है कमेंटल्स वो निकलेंगे वो कम्युनिकेट करना सीखेंगे सेंटेंस बोलना सीखेंगे. प्लीज म्यूट योर माइक. प्लीज म्यूट योर माइक. मैं बैंक में म्यूट कर रही हूं. मैं म्यूट कर रही हूं. जी जी प्लीज जी प्लीज. इट्स अप टू यू. यस मैम आप आपको अनम्यूट करें या बात करें. मैम शाजिया अभी हम जो है अभी सेशन को थोड़ा सा थोड़ा टाइम रह गया तो हम अपना जो सेशन है उसको सेकेंड वाला है हम अपनी पीपीएल की तरफ जाते हैं. तारुफ हो गया और तारुफ का मकसद भी मैंने क्लियर कर दिया. और तारुफ का मकसद यही होता है कि बच्चों को अच्छी एक्टिविटीज के साथ मैनेज किया जाए उनको खाने पीने की चीजों की तरफ रागब किया जाए. अभी हमारा जो एक नया इसी का उन्होंने कॉर्नर शामिल किया है तो पुराना है लेकिन उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है वो भी इसी पे बेस करता है. जी मैम आई जस्ट वांट टू ऐड यहाँ पे थोड़ा सा बताती चलूं कि हमारी लाइफ में जैसे कोई भी एक मिनट भी जो है वो यूजलेस नहीं होना चाहिए. हर चीज हर वक्त की बहुत कीमत है हमारी जिंदगी में तो उसी चीज को यूटिलाइज करते हुए आपने इस एक्टिविटी को जरूर करना है बच्चों के साथ बिकॉज ये बच्चों की कम्युनिकेशन हर्डल्स को खत्म करती है उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको इन्हांस करती है. जब बच्चे छोटे से सेंटेंस कम्प्लीटली अपने मुंह से अदा करेगा तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ही कैन स्पीक इन इंग्लिश. और सबसे बढ़कर ये कि वो सोचेगा अपने ब्रेन से सोचेगा कि मेरे नाम के साथ कौन सी चीज रिलेट हो रही है तो वो उसको सोचेगा थिंकिंग प्रोसेस उसका डेवलप होगा और उसके बाद उसकी आहिस्ता आहिस्ता वोकैबुलरी बढ़ेगी. जब वो अपने तमाम फ्रेंड्स को सुनेगा कि डिफरेंट नेम्स स्टार्ट्स विद डिफरेंट साउंड्स एंड दैट पर्टिकुलर साउंड मैचेस विद अदर वोकैबुलरी एज वेल तो आप सोचें कि अर्ली मॉर्निंग एक क्लास में जहां 35 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं तो सुबह आते साथ ही एक बच्चे की वोकैबुलरी में कम अज कम 25 न्यू वर्ड जरूर आएंगे. ठीक है तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारी कोई भी एक्टिविटी और हमारा टाइम जो है वो यूजलेस नहीं होता बल्कि हमें उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना आना चाहिए. और आप इस वोकैबुलरी में सर ने अभी अच्छी इनपुट दी कि हम खाने के बजाय कोई और चीज अगर ऐड कर लें तो कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं सर. इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या चीजें आप बच्चों की लाइफ में लेकर आ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच मैडम. नाउ ओवर टू यू. ओके जी मैम पीपीटी चला दीजिए और मैं दोबारा इनको म्यूट कर रही हूँ. आप पीपीटी की तरफ चाहे क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया